वीडियो सर्च में कैसे लाएं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। वीडियो सर्च में कैसे लाएं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देख लो इन सब की वीडियो आ रही है, और अभी एक महीने पहले ये वीडियो अपलोड किया है और मेरी वीडियो भी सर्च में आ रही है, आपके सामने ये वीडियो सर्च में इसीलिए आ रही है। हेलो दोस्तों, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर मेरा चैनल वायरल नहीं हो रहा है, मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो जो अपलोड करता हूँ वो वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो क्या मैं अपने वीडियो को सर्च लिस्ट में लाकर अपने वीडियोज पर ज़्यादा व्यूज ला सकता हूँ। आज की इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपनी वीडियो को सर्च में लाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से आपको काम करने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपके पास हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि मेरी जो वीडियो है सर्च लिस्ट में कैसे आती है, उसके बाद पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो को सर्च में कैसे लाते हैं, बहुत ईजी भी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं कुछ सर्च करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, ये मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पर आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि सबसे ऊपर मेरी वीडियो दिख रही है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर दिख रही है टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल की। टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल पर आपको मैं क्लिक करके इनकी वीडियो को दिखाता हूँ। वीडियो बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन देखो इनके चैनल पर 1,49,000 सब्सक्राइबर हैं, फिर भी इनकी वीडियो मेरे वीडियो से नीचे दिख रही है। और आपको दिखाऊँ नीचे, यहाँ पर टेक्निकल योगी की वीडियो आ रही है, मोनेटाइज रीयूज्ड मोनेटाइज कंटेंट का सारा खेल खत्म। ये 91,000 इनका वॉच टाइम है इस पर, मतलब लोगों ने देखा है, और आपको बता दूँ 1,000,000 सब्सक्राइबर हैं, और मेरे चैनल पर दोस्तों अभी 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और फिर भी आपको मेरी ये वीडियो सबसे ऊपर दिख रही है। एक ही वीडियो नहीं दिख रही, यहाँ पर आप अगर देखेंगे एक ही आ गई वीडियो, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले एक वीडियो डाली है, 7 महीने पहले एक वीडियो डाली है, और आपको दिखाता हूँ, और अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो 6 महीने पहले वीडियो डाली है, 2 महीने पहले वीडियो डाली है, 8 महीने पहले वीडियो डाली है। इतनी सारी वीडियो आपने देख लिया, एक ही नहीं है आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी बताऊँगा कि ये वीडियो सर्च में आती है तो क्या लिखा था मैंने, किस टाइप से तो आई है, अभी वो भी दिखा रहा हूँ। मोबाइल से आपको कैसे करना है वो भी दिखा रहा हूँ, बस वेट करिए। यहाँ पर ये चीज़ कर दिया, अब दूसरी भी दिखाता हूँ, कॉपीराइट कैसे हटाएं। अगर मैं लिखूँ या आप अपने चैनल पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो दिखेगी, जबकि 1,39,000 व्यूज़ इस वीडियो पर आए हैं, लेकिन उसके नीचे जो वीडियो है ना वो टेक्निकल योगी की है, 2,68,000 व्यूज़ आए हैं सिर्फ 8 महीने में, ठीक है, जिसका चैनल 1,000,000 क्रॉस कर चुका है, उनकी वीडियो से ऊपर मेरी वीडियो आ रही है। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं, यहाँ पर 1 मिनट में ये देखो, ये सारी चीज़ देखो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो दिखाए हैं, अब आप सोच रहे होंगे कॉपीराइट और रीयूज्ड के ऊपर तो आता ही है, कुछ और बताओ। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कोपा की सेटिंग कैसे करें, कोपा की सेटिंग कैसे करें मैंने लिखा, जो कि आपको ये विश्वास हो जाए कि दो ही चीज़ें, कोपा बहुत पुराना है और उस पर मैंने वीडियो बना रखी, वो भी वीडियो सर्च में आ रही है। देखो कोपा की अभी दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ ये देखो कितने नंबर पर आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 छठे नंबर पर मेरी वीडियो आ रही है, जो कि कोपा की सेटिंग है, ठीक है। कोपा की सेटिंग कैसे करें और कोपा की एडवांस सेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतनी चीज़ें बताई। अब आपको करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ, सर्च में आपकी वीडियो कैसे आती है। देखो आप वीडियो अपलोड करो, अपलोड करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करो, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो और अपलोड वीडियो पर क्लिक कर दो। जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद आप आओ यहाँ पर YT स्टूडियो में, YT स्टूडियो में जब आप आएँ तो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियोज़ में आ जाएँ। वीडियोज़ पर आने के बाद अब जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया जो मेरी वीडियो सर्च में चल रही थी, तो आ रही थी वीडियो, वो कैसे आ रही थी अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सर्च करता हूँ कॉपीराइट कैसे हटाएं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जैसे ही मैंने सर्च किया यहाँ पर देखो बहुत सारी वीडियो आ गई हैं, कॉपीराइट कैसे हटाएं, कॉपीराइट कैसे हटाएं, ये अभी दिखाया था ना 5 मिनट में, कॉपीराइट स्ट्राइक हटाओ 5 मिनट पे। इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाली वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब
सबसे पहला जो सर्च में वीडियो आने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहला बता रहा हूँ, आपका थंबनेल बेस्ट होना चाहिए। इस वीडियो में थंबनेल मेरा बहुत बेस्ट है और बेस्ट होने के नाते ये वीडियो ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं और इसलिए सर्च में आती है। एक हो गया आपको जो बताया है कि बेस्ट थंबनेल आपका होना ही चाहिए। उसके बाद आपको पेंसिल पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने टाइटल जो लिखा है, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं 2020, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट स्ट्राइक, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, मेन काम आपको डिस्क्रिप्शन में ही करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने टाइटल पर लिखा है वही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, लाइव प्रूफ कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं 2020, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट स्ट्राइक, ये काम करना है। दूसरा काम, आपको कम से कम 5 हैशटैग लगाने हैं, 5 से 6, कम से कम 5, जो मैंने ये 6 हैशटैग दिखा रखे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपको अपने वीडियो में लगाने हैं डिस्क्रिप्शन में हैशटैग। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक कवर, और जिस टॉपिक पर आपकी वीडियो हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड निकाल कर यहाँ पर डालने हैं, जैसे कि मैंने कीवर्ड इतने सारे डाल रखे हैं। आपको ये सारे कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने के बाद आपको अपने टैग में, जो आपके वीडियो का टैग होता है, उस टैग में भी ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं अपने चैनल से, यूट्यूब स्ट्राइक कैसे हटाएं चैनल पर, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटाएं, ये सारी चीजें आपको टैग में एक एक करके लिखनी पड़ेगी। जब आप लिखोगे तभी आपके चैनल पर जो आपकी वीडियो होगी वो वीडियो सर्च लिस्ट में आएगी। ये सारा काम मैं अपने चैनल पर करता हूँ। और आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, YT कीवर्ड के नाम से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पर कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं और कीवर्ड फाइंड करके आप अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और टैग में भी लगा सकते हैं। ये काम आपको करना है और यही काम मैंने अपने सभी वीडियोज में कर रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जिस वीडियो पर मेरे 1,40,000 व्यूज आया है उस वीडियो पर भी मैंने ये सारे काम कर रखे हैं। यहाँ पर मैं आइकन पर क्लिक करता हूं, डिस्क्रिप्शन में जाता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो मेरी वीडियो है ना, इसका थंबनेल बहुत बेस्ट है, कॉपीराइट क्लेम 1 मिनट में हटाओ, लाइव प्रूफ 101%, ये मैंने लिख रखा है। बहुत बहुत अच्छा वीडियो है ये और बहुत अच्छा थंबनेल है। उसके बाद मैंने लिख रखा है कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट क्लेम ऑन यूट्यूब स्टूडियो बेटा, ये मैंने टाइटल में लिखा है। अब मैं डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूं। डिस्क्रिप्शन जैसे ही मैंने ओपन किया, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वो सेम प्रोसेस यहां पर मैंने लिखा है जो प्रोसेस अपने पहले वाली वीडियो में अभी आपको बताया, जिसमें 4-5 हज़ार व्यूज हैं, इसमें 1,40,000 व्यूज हैं, तो इसमें भी वो प्रोसेस किया, आपको भी ये प्रोसेस करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 6 हैशटैग इस वीडियो में भी लगाया है, तो आपको हैशटैग अपने वीडियो में लगाना ही लगाना है, 5 से 6 हैशटैग, और डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो के बारे में अबाउट दिस टॉपिक या टॉपिक कवर के नाम से कुछ भी लिखकर उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड लगाने हैं। इस बात को ध्यान रखना, आपकी वीडियो 100% गारंटी लेता हूं। जैसे ही ये मेरी सर्च लिस्ट में आती है, यहां पर जैसे ही मैं सर्च करता हूं मेरी वीडियो सर्च में आती है, अभी आपको यहां पर सर्च करके दिखाता हूं, वीडियो सर्च में कैसे लाएं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, वीडियो सर्च में कैसे लाएं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देख लो इन सब की वीडियो आ रही है, और अभी 1 महीने पहले ये वीडियो अपलोड किया है और मेरी वीडियो भी सर्च में आ रही है आपके सामने। ये वीडियो सर्च में इसीलिए आ रही है क्योंकि इस पर मैंने कीवर्ड लगाया हुआ है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, वीडियो को सर्च में सबसे ऊपर कैसे लाएं, अगर आप लिखोगे तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आएगी, ये देखो वीडियो को सर्च में सबसे ऊपर कैसे लाएं, अगर लिखते हो तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो दिखेगी, ये वीडियो आपको दिख रही है यहाँ पर, राइट। तो आपको भी ऐसे ही कीवर्ड फाइंड करने मेरे दोस्त, ऐसे ही काम करने, तभी आपका चैनल ग्रोथ मिलेगा और आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखा, आपको पता चला कि किस तरीके से सर्च लिस्ट में वीडियो आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।